सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट थियोरीज चैनल को और उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। ये लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, आप सभी को इन्हें एनकरेज करना चाहिए, इनके वीडियोस को वायरल भी करना चाहिए ताकि एनिमे और बड़े रूप से यहाँ पे आए और ऐसी चैनल्स को आप अपना सपोर्ट देंगे तभी जा करके ये कम्युनिटी और ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को @AnkurJhaveri को फॉलो कीजिए और एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है अंकुर जवेरी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच, कैच यू सून, बाय। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल फैक्ट्रीज में स्वागत है और आज हमारे चैनल में आया है अंकुर जवेरी सर। इंट्रो से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हमारे चैनल में कौन आए हैं। आपको बता दूं कि अंकुर सर ने ड्रैगन बॉल जी सीरीज में, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, उसमें गोकू को हिंदी वॉइस दिया था और इंडिया में अब बहुत ही जल्दी ड्रैगन बॉल सुपर शुरू होने वाला है हिंदी डब में, वो भी इसी महीने से। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग फिर से अंकुर सर की आवाज गोकू में सुनने के लिए बेकरार है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर जवेरी और फैक्ट थियोरी चैनल पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैं इस तरह से हश-हश में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज शेड्यूल थोड़े से टाइट है फिलहाल और मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा दोस्त प्रकाश और ज्यादा वेट करे। उसके बारे में एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन सभी लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था टीम गोकू और इन्होंने बहुत ज्यादा एनकरेज किया मुझे, एनिमे के लिए प्रोत्साहित किया और उसके पब्लिसिटी के लिए और गोकू की कुछ एक्टिविटीज वगैरह हम लोगों ने शुरू में की थी, वो सभी जो है वो प्रकाश ने मुझे एनकरेज किया था कि आप प्लीज कीजिए सर, ताकि इससे क्या है और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी। इनफैक्ट मुझे याद है जब मेरा सबसे पहला जो मीम था जो यहाँ पे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो भी इन्होंने ही बनाया था। सो दीज गाइज आर वंडरफुल एंड प्लीज एनकरेज दिस चैनल एंड चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल यह है कि अगर ड्रैगन बॉल सुपर इंडिया में हिंदी डब में फेमस होती है तो क्या हम और एनिमे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे नरूटो, अटैक ऑन टाइटन, डिटेक्टिव कॉनन, क्या ये सारे एनिमे भी हिंदी डब में इंडिया में आ सकते हैं? बाकी एनिमे डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इसका सक्सेस किस तरह से हो। ऑफकोर्स पोकेमोन, डोरेमोन ये सब तो है ही यहाँ पे, बट उनकी जो मार्केट है, जो ऑडियंस है, वो थोड़ी सी यंगर जनरेशन है। सो कंपैरेटिवली अभी एनिमे फुल फ्लेज्ड आने के लिए काफी लोग नोटिस करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे चैनल्स भी देखने वाले हैं कि हाउ वेल डज ड्रैगन बॉल परफॉर्म नाउ, क्योंकि एक एक डेकेड के बाद आना और फिर भी उतनी ऑडियंस है यहाँ पे, किस तरह से इसकी हाइप क्रिएट हो रही है वो सब देखेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूँ आप सब इसे एनकरेज करें। एंड दूसरी एनिमे के बारे में अगर कहा जाए तो मैं ये प्रिडिक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ कौन सी सबसे पहले आएगी इसके बाद, लेकिन आएगी जरूर, बट सिर्फ हमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और शुरू में क्या है, देखिए ये सारे मार्केट्स जो हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो ये सब इस चीज को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में उन्हें थोड़ा वक्त जाएगा। तो ये कहना शायद सही रहेगा कि प्रॉब्ली ड्रैगन बॉल वुड बी लाइक अ सैक्रिफिशियल शीप इन टर्म्स ऑफ के जो भी हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स के तौर पे या प्रोग्रामिंग के तौर पे या फिर क्वालिटी के तौर पे करेंगे, वो उसे स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा टाइम जाएगा जैसे मैंने कहा। So I would expect this from all of you all to be a little bit patient or encouraging, ताकि एक अलग टाइप की streamlining जो आप सब expect कर रहे हैं कि नहीं ये cartoon नहीं ये anime है, तो वो करते करते हमें भी industry के तौर पे थोड़ा सा समय जाएगा and फिर एक नया market ही create हो जाएगा। But you guys have to be standing there for us from now. Sir, मेरा दूसरा question ये है, आपको पर्सनली क्या लग रहा है एनिमे का फ्यूचर क्या है इंडिया में? अब काफी लोग एनिमे देखना चाहते हैं, कम्युनिटी बन रही है, काफी सारी ग्रुप्स बन रही है सोशल मीडिया में, अब आप एनिमे का फ्यूचर कैसे देखते हैं इंडिया में? मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतर फ्यूचर है एनिमे के लिए, बिकॉज देखिये ये एक नया सेगमेंट तो नहीं है, ऑलरेडी पहले आ चुका है इंडिया में
और उसका नॉस्टैल्जिया वैल्यू कहें या उसका एनिमे फीवर कहें, जो भी है, वो अभी भी परसिस्टेंट है इंडिया में. ऑफकोर्स कुछ लोग कहेंगे डोरेमोन पोकेमोन वगैरह है, बट उसका जो सेगमेंट है वो फिर भी थोड़ा सा यंगिश ऑडियंस हो जाता है. ड्रैगन बॉल के अलावा भी बहुत सारे एनिमेज हैं जो जिसको बहुत ज्यादा कहते हैं कि सम पीपल इवन कॉन्ट्रोवर्शियली से के वी डोंट कंसिडर ड्रैगन बॉल एज एन एनिमे, एंड सम पीपल से के वी प्रेफर जापानीज एंड वी प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी. तो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ड्रैगन बॉल नहीं, दो तीन और एनिमेज आएंगी इसके बाद भी, तो उन सभी के साथ थोड़ा पेशेंस रखिए. बिकॉज एक सेगमेंट कुछ भी जब नया हो, जैसे साउथ की फिल्म्स यहाँ पे जब नई डब हो रही थी और शुरुआत हो रही थी, या फिल्म मेकिंग ऑन द होल जब कभी भी शुरू हुई थी, तो शुरुआत में किसे उस टाइप की क्वालिटी जो होती थी और आज की तारीख में जो क्वालिटी है, वेस्टर्न कंपेयर टू इंडियन फिल्म्स, तो उन सब चीजों में स्ट्रीमलाइनिंग में हमेशा थोड़ा टाइम जाएगा. वन विल हैव टू बी पेशेंट. और चाहे आप जापानीज में देखें या इंग्लिश में देखें, बट हिंदी कॉन्टेंट के लिए आपको ज्यादा एनकरेजिंग इसलिए रहना होगा ताकि यहां पे इन्वेस्टर्स जो पैसा डाल रहे हैं उनको विजिबिलिटी मिले और नेचुरली उनको रेवेन्यू जनरेट हो. वरना वो लोग क्यों डालेंगे? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट आ रहा है यहां पे उसका कंजम्पशन बहुत हाई है और सभी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत संतुष्ट हैं उससे. तो अगर हमें एक फुटहोल्ड चाहिए, मतलब बस में सब लोग खड़े हैं और एक पैर रखने की भी जगह अगर चाहिए, तो उसके लिए सभी को थोड़ी थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, सभी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. अगर ये लोग हमारे लिए ये कंटेंट यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी एज अ व्यूअर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा एनकरेजिंग रखना चाहिए. ना ही सबको बोलना चाहिए अरे ये ऐसा है, ये क्रिंज है, ये वो है और टूट पड़ना चाहिए. तो मेरे हिसाब से तो एनिमे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड इट इज अस हु विल हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट नाउ. तो सर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, आप खुद एक बहुत अच्छे वॉइस एक्टर हैं, गोकू एक बहुत ही नामी कैरेक्टर है वर्ल्ड वाइड, और एज अ लीड वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप खुद को गोकू से कैसे रिलेट करते हैं. जब आप डबिंग करते हैं गोकू के लिए तो आप कहीं ना कहीं पर्सनली जुड़ जाते हैं, या आपने कहीं ना कहीं महसूस किया है जो उनके लेवल्स ऑफ एनर्जी रहते हैं लाइक सैयन सुपर सैयन, कहीं ना कहीं आप भी वो महसूस करते हैं? सो आप कैसे रिलेट करते हैं गोकू से पर्सनली, ये मेरा सवाल है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, गोकू से मैं अपने आप को कैसे रिलेट करता हूँ. सो द थिंग इज दैट गोकू की कुछ क्वालिटीज हैं, दूसरों के लिए खड़ा हो जाना कभी भी, खुद को कई बार प्रॉब्लम्स में डाल देना दूसरों के लिए, वो सारी चीजें मैं करता रहता हूँ पर्सनली भी. एंड रही उसकी दूसरी एक ट्रेट, जो दूसरों के लिए वो एकदम नॉर्मली हमेशा शांत रहता है, बट किसी और के लिए खड़े रहने के टाइम पे वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, पावर अप हो जाता है. तो ये चीजें शायद मेरे साथ भी होती होंगी. एक और जो खास बात है, मेरे घर पे भी एक चीची है जो मुझे शांत कर देती है, उसके सामने मेरी कुछ नहीं चलती है. एंड पर बस गोकू की तरह मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूं. काश मैं उतना जिम में जाकर के उतनी ट्रेनिंग कर लेता और उसके जितना खाना भी नहीं खाता हूं तो ये जो है वो थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं और थोड़ी बहुत जो है वो वीकनेसेस कहो या प्लसेस कहो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट. तो ये है, बट वन थिंग इज देयर दैट आई एम सो ग्लैड के गोकू अभी आइकॉनिक कैरेक्टर हो गया है एंड सभी इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं. हाँ दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब हमने अंकुर सर से इस बारे में बात किया कि एनिमे को इंडिया में हिंदी डब में लाना है तो इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए, तो वो तुरंत गोकू की तरह हमारी हेल्प के लिए रेडी हो गए और वो हमेशा अपने इंडस्ट्री के लोगों के हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं. और अंकुर सर अगर नहीं होते तो आज इंडिया में ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब में कभी नहीं आता, ये हमेशा के लिए एक सपना ही रह जाता. तो आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पे अंकुर सर को फॉलो कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करके ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी डब में इंडिया में लाया है. और आप बाकी भी एनिमे हिंदी डब में चाहते हैं तो जाकर अंकुर सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मैसेज में उन्हें थैंक यू लिखो. मेरा चौथा सवाल आपसे ये है, आने वाले टाइम में एनिमे की भीड़ बहुत होगी इंडिया में, इसी बीच क्या न्यू कॉमर्स डबिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मेरे बहुत सारे फैन डबिंग करने वाले भाइयों, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सी अभी ये ड्रैगन बॉल तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आगे चल के जो दूसरी भी एनिमेज वगैरह आएंगी उसमें बहुत लोगों को मौका मिलेगा, बहुत लोगों को अपनी टैलेंट दिखाने का, हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तो जस्ट बी पेशेंट, दिस इज जस्ट द स्टेपिंग स्टोन। आप सबको मौका मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री बहुत वेलकमिंग है और मैं खुद यहाँ पे हमारा जो एक यूनियन है एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट, उसका वन ऑफ द फाउंडर्स रह चुका हूं और इसी के लिए हम लोगों ने ये सारी यूनियन वगैरह यहां बनाई है ताकि हम बाहर से जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी प्रोटेक्टिव एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सके, एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट कर सके दैट एवरीबडी फील्स अ पार्ट ऑफ दिस वन बिग फैमिली। सो डोंट लुक एट द शॉर्ट टर्म गोल्स, लुक एट द लॉन्ग टर्म गोल्स, बी एनकरेजिंग, बी हेल्पफुल, बी पॉजिटिव, डोंट गेट टॉक्सिक एंड डोंट पास नेगेटिव कॉमेंट्स फॉर नो रीजन एट ऑल। वी ऑल आर वेरी वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। एक और चीज जो बताना चाह रहा था वो ये है कि कार्टून नेटवर्क को बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसमें कि उन्होंने ये पहल की, हमारी बात सुनी और यहाँ पे लेके आए हैं, तो प्लीज उनको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार दीजिए। अभिषेक दत्ता सर को, उन्होंने मेरी बात सुनी, और शॉन डिकोस्टा सर जो मेरे साथ हमेशा रहे हैं इस पूरी मुहिम में, बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे प्रॉब्लम समझाई, जिन्होंने ये एनवायरमेंट क्रिएट किया था यहाँ पे कि सर हम चाह रहे हैं पर आ नहीं रहा है, क्या करें, किस तरह से लेके आए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर हम सब साथ में मिलकर के इस चीज को और आगे लेके जाएं तो ये हम कहां से कहां पहुंचेंगे। सो इट्स जस्ट दैट वी ऑल नीड टू बी कनेक्टेड टुगेदर, वी ऑल नीड टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स ईच अदर एंड ट्रस्ट मी, एनिमे विल कम हियर इन अ बिग लार्ज वे एंड नॉट जस्ट कम हियर, इट बी अ ग्रैंड सक्सेस। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अंकुर सर मेरे चैनल में आने के लिए। और गाइस, ड्रैगन बॉल सुपर इस महीने से स्टार्ट हो रहा है कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल पे, तो इसे देखना मत भूलिएगा। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें।